वालेकुम अस्सलाम। आज अगर समीना भाभी आप और आयशा हमारा साथ ना देते तो पता नहीं क्या हो जाता। हमने तो हमेशा नन बन के ही दिखाया है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, हिस्सा तक मांग लिया हमने तो, जबकि वो सारा कारोबार तो जहीर भाई का और उनकी औलाद का था। अम्मा के जाने से हमारी सोच तो बदली, लेकिन आप दोनों ने आज हमें खरीद लिया। मैंने तो कुछ नहीं किया, बस यही सोचा कि जिस अज़ियत से मैं गुजरी हूँ कोई और ना गुजरे। देखो फैमी, आज आयशा ने हमें बर्बाद होने से बचाया और उसकी बेटी ने तुम्हारी बेटी को बर्बाद होने से बचाया। एनी भी हमेशा यही कहती थी ना कि जो उसके साथ गुजरी है वो कभी नहीं होने देगी किसी और के साथ। अब गुमसुम क्या खड़ी हो, जरा खुद सोचो, सजाद भाई के जाने के बाद तुम बेआसरा हो गई थी, ना छत थी ना कुछ, और इस घर में ना माँ थी और ना बड़ा भाई, हबीब जैसा भाई जो ना बच्चों को पूछता ना अपनी बीवी को, खुद गर्ज। अगर समीना भाभी जैसी भाभी ना होती तो कौन सहारा बनता? जो फैसला तुम करने जा रही थी जल्दबाजी में, हम और समीना भाभी तो तुम्हें रोक नहीं सके, लेकिन एनी ने हिम्मत दिखाई और रोक ली। चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, मैं लाती हूँ।